नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थ नगर, जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का दहशत देखने को मिल रहा है, जिसमें लाखों लोग इस महामारी के शिकार भी हो चुके हैं, वहीं 4000 से भी अधिक लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी दीपक मीणा सोहरतगढ़ तहसील पर कुछ फरियादियों की फरियाद सुनकर बढ़नी के भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने पहुंचे, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए चौकसी बढ़ाने की बात कही। सिद्धार्थ नगर से विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ताजा खबर ये देखिए, कोरोना वायरस जैसे सब लोगों को पता भी है कि इंडिया में भी दस्तक दे चुका है और मोर देन 110 केसेस इंडिया में भी पाए गए हैं। यूपी में भी मोर देन 11 केसेस आ गए हैं और पहले से ही, मतलब जब से हुआ है तभी से 60 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल बॉर्डरिंग है वो पहले से ही अलर्ट पे थी और तभी से यहाँ पे टीम्स और कैंप्स और हम लोग पूछना और डॉक्टर्स की टीम आ गई थी। एसएसबी और कस्टम्स का भी सबका सहयोग है और ये रूटीन एक विजिट थी जो मेरे और कप्तान साहब द्वारा व्यवस्था देखने के लिए कि सब है और सभी का चेकअप किया जा रहा है तो सब सही तरीके से है। और मोर देन 40,000 लोगों का हम लोग यहाँ पे चेकअप कर भी चुके हैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक कोई भी केस या कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया और पहले से भी यहाँ पे जो बताया गया इमिग्रेशन का चेक नहीं था, पहले भूटान और नेपाल के लोग अलाउड है और अभी भी वैसे भी एक नोटिफिकेशन आ गया है कि कोई भी बॉर्डरिंग इलाके से भूटान और नेपाल के अलावा कोई भी नेशनलिस्ट कहीं से भी अलाउड नहीं है यूपी के अंदर से सुनौली बॉर्डर के अलावा। बाकी आइसोलेशन वार्ड, बाकी क्वारंटाइन फैसिलिटीज ये जिला अस्पताल में बनाई गई हैं। प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स, माइकिंग और फ्लायर्स बनाए जा रहे हैं, बांटे भी जा रहे हैं और सभी को ये बताया भी गया है कि सब लोग अपना ध्यान रखें। एक इसमें प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी कोई दवाई या कुछ नहीं है। अच्छी बात कहें तो यही है कि मॉर्टिलिटी बहुत कम है और छोटे बच्चों को कम इफेक्ट करता है, पर ये चीज़ भी बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि 20 साल के बच्चों के नीचे सिम्टम्स कम मिलेंगे पर वो कैरियर हो सकते हैं, तो ये नहीं कि उनको नुकसान नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो उसको कैरी तो कर ही सकते हैं। तो कुछ भी लोगों को लगे प्रॉब्लम है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लू की तरह है, इसके सिम्टम्स हैं ब्रेथलेसनेस, कफ, कोल्ड। अगर किसी को कुछ होता है तो वो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और अगर ऐसा लगेगा कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर टेस्ट करवा के हम उनका रिजल्ट के लिए भी भेजेंगे। तो अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर लोग अपना एहतियात बरतें, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, हाथ बार बार धोएं, साबुन से धोएं जितना धो सकते हैं। ये नहीं कि सैनिटाइजर ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल मार्केट में सैनिटाइजर और इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप नॉर्मल साबुन से हाथ धो सकते हैं। मास्क और सैनिटाइजर्स को वैसे भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया गया है। अगर कोई भी होर्डिंग करेगा मास्क या सैनिटाइजर की या ओवर प्राइसिंग करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।